विकास के तौर पर जंगलों के बीच से निकलने वाले हाईवे और रेलवे ट्रैक के चलते भी हाथियों की जानें गईं। विश्व स्तर पर हाथियों को संरक्षित वन्य जीव मानते हुए कई कार्यक्रम चलाए गए, जिनमें से एक है विश्व हाथी दिवस। हर साल 12 अगस्त को हाथियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत विश्व हाथी दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने भारत में मानव हाथी टकराव से निपटने के सर्वोत्तम उपायों पर एक पुस्तिका जारी कर भारत की हाथी संरक्षण के स्थायी और ठोस समाधान करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। फॉर्डर एंड वाटर ऑग्यूमेंटेशन इन जंगल एरियाज, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम लिया है और उस कार्यक्रम में अब इस बार लाइडर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं, लाइडर सर्वे भी कर रहे हैं और इस साल जो दिसंबर के बाद काम होगा सर्वे के बाद, उसके सहारे अगले साल से जंगलों में पानी और जंगलों में घास और खाद्य बहुत अच्छे मात्रा में पैदा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस मौके पर एक वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों को निपटाने के लिए सुरक्षा नाम से एक राष्ट्रीय पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया, जिसके विभिन्न टूल्स और आंकड़ों द्वारा नीति निर्माण और टकराव को कम करने की कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल को साल के अंत तक पूरे देश में जारी कर दिया जाएगा। विश्व हाथी दिवस खासकर एशिया और अफ्रीका के हाथियों के संरक्षण को लेकर साल 2012 में शुरू किया गया था, लेकिन भारत में हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा, मानव हाथी संघर्ष समाधान और पालतू हाथियों के कल्याण को लेकर साल 1991-92 में ही प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू कर दिया गया था। वर्तमान में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये परियोजना चलाई जा रही है। 2017 में पहली बार एक अखिल भारतीय सिंक्रोनाइज्ड हाथी जनगणना आयोजित की गई। इस वक्त देश में हाथियों की अनुमानित संख्या तकरीबन 30,000 है, जो कि एशियाई हाथियों की संख्या का 60% होता है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं।